बैठा, हे नकली ज्योति के आदित्य, तू तो ठोकर खा बैठा। श्रीमंत कहलाते कहलाते गद्दारों के चरणों में जा बैठा, खुद की नाक तो कटी ही थी, 25 की ओर कटा बैठा, 25 की ओर कटा बैठा। की जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल, मैं इस समय भांडर विधानसभा में हूं और आज हमारी खास मुलाकात होने जा रही है कंप्यूटर बाबा की टीम के खास व्यक्ति आज हमारे साथ हैं जिनको हम रवीश त्यागी के नाम से जानते हैं। रवीश त्यागी जी, आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है जी। रवीश त्यागी जी, कंप्यूटर बाबा जी के साथ जो यात्रा निकाली है आपने मध्य प्रदेश के अंदर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? असल में संत महात्माओं का काम तो वास्तव में अपना पूजा पाठ और हवन इत्यादि करना होता है, परंतु पहली बार भारत के इस लोकतंत्र में, इसके हृदय मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को कुछ भेड़ियों ने एक तरह से धोखा दे करके और गिरा डाला। अब फिलहाल न तो विधायकों की सरकार है न जनता की सरकार है, फिलहाल जो सरकार है वो नोटों के द्वारा बिकी हुई सरकार है, जिसने नोटों के माध्यम से विधायकों को खरीद करके उनके इस्तीफे के बाद उन लोगों को कैबिनेट और राज्य मंत्री बना रखा है। ऐसी सरकारों को अस्तित्व नहीं होता। जनता को इस बात का पक्का पता है कि सरकार कमलनाथ की ही रहनी है और ये उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक आपके प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने करीब 22-25 विधायकों को प्रलोभन दे करके खुद अपने आप को राज्यसभा में ले जाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है, जिसका रिजल्ट निश्चित रूप से बुरा होगा और ये लोग अगर जीतते हैं तो किसी भी लोकतंत्र का यह दुर्भाग्य होगा। भारत विशालतम लोकतंत्र है इस विश्व का, उसमें अगर ऐसी घटना होती है, उसके दिल मध्य प्रदेश में अगर ऐसी घटना होती है तो लोकतंत्र की भारी तोहीन होगी, लोकतंत्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर उसके बाद भी जनता ऐसे लोगों को जिताएगी तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्य की बात है। हम तो बार बार कहते हैं कि हे नकली ज्योति की आदित्य, हे नकली ज्योति की आदित्य, तू तो ठोकर खा बैठा। हे नकली ज्योति की आदित्य, तू तो ठोकर खा बैठा। श्रीमंत कहलाते कहलाते गद्दारों के चरणों में जा बैठा, खुद की नाक तो कटी ही थी, 25 की ओर कटा बैठा, 25 की ओर कटा बैठा। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर रवीश त्यागी का सीधा हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्होंने किया है। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से जो आप वकालत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कमलनाथ जी कंप्यूटर बाबा को फिर से मंत्री ना बना दें? इसके लिए पहले क्या आपकी? ये संत महात्मा है, इनको मंत्री बनाएं या ना बनाएं, ये तो उसी व्यवस्था में रहना, रोज इनको धुनी तापनी है, रोज़ अपने संत महंतों में रहना है। इनको आप मंत्री बनाएंगे तब भी वही पूजा पाठ करनी है, नहीं बनाएंगे तब भी। परंतु यदि प्रदेश पर किसी भी तरह की ऐसी हानि या इस तरह का कोई व्यवस्था बनती है कि लोकतंत्र को हानि हो, या मां नर्मदा के बचाव के पक्ष में कंप्यूटर बाबा जय संत अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, अगर ऐसी व्यवस्था धर्म कभी सामने आएगी तो उसको हमेशा संभालता ही है। पिछली बार भी शिवराज सरकार ने उनको नर्मदा का दायित्व दिया था, परंतु जब रेत खनन की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदारी लगे हुए हैं इस काम में महाराज जी, तो हम रेत खनन नहीं रोक पाएंगे, तो महाराज जी ने सरकार छोड़ दी थी। संतों का तो ये उद्देश्य होता है, अगर कांग्रेस भी इनके साथ गड़बड़ करेगी तो उसका भी यही हाल करेंगे, ये तो एक तरफा काम होता है लोगों का। तो रवीश त्यागी जी की आवाज़ क्या कहती है, जो 25 सीटों पर जो धुआंधार आप लोगों ने इंकलाब कर दिया है, तो 25 सीटें कांग्रेस जीतेगी क्या? केवल संतों के इंकलाब से ही नहीं, यह तो अब पत्रकारों का भी काम है, जनता का भी काम है कि जिन लोगों ने प्रदेश के लोकतंत्र को धोखा दिया है उन लोगों को इसी विधानसभा में नहीं कभी भी जीतने के लायक नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए और दोबारा कभी चुनाव लड़ने के लायक न बचें, ऐसी स्थिति में उनको ले आएँ। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमने विस्तार से चर्चा की। रवीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कंप्यूटर बाबा जी की टीम से वो मुख्य व्यक्ति माने जाते हैं और उन्होंने सीधा हमला सिंधिया पर कर दिया है। ऐसे में देखना है कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरफ करवट लेती है, तो आगामी देखने को ही मिलेगा। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, सबसे बड़ी बात नोटिफिकेशन के लिए बेल के घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक घंटी नहीं दबाएंगे आप हमारे साथ नहीं जुड़ सकते। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार।